या दोस्तों वोटर कार्ड किस तरीके से अप्लाई करें, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वोटर कार्ड किस तरीके से अप्लाई करें। अगर आपका साल 18 साल उम्र हो चुका है, आप किसी भी राज्य से भारत के, तो वोटर कार्ड कैसे अप्लाई करें। वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र में, एंड क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद गूगल क्रोम में आ जाना है। गूगल क्रोम में आने के बाद आपको क्या करना है, इसमें लिखना है वोटर डॉट एंड वोटर, सिर्फ लिखना है वोटर कार्ड। जैसे ही आप वोटर कार्ड लिखेंगे, वोटर कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है किस गूगल क्रोम में, एंड यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप वोटर के पोर्टल में आएंगे, आपसे मांगा जाएगा रजिस्ट्रेशन, क्या आपने इससे पहले वोटर कार्ड अप्लाई किया था। तो ज़्यादातर नए नए विद्यार्थी जो नए नए वही अप्लाई करेंगे। तो आपको क्या करना है, साइन अप, आपको दो ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका ऑलरेडी वोटर कार्ड में आईडी बना हुआ है तो इसमें आपको लॉगिन करना है, लेकिन अगर आपका बना हुआ नहीं है तो आपको साइन आउट करना है। साइन आउट में आने के बाद आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है। आप मोबाइल नंबर दीजिए, यहाँ से मोबाइल नंबर दीजिए, एंड यहाँ से मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको कैप्चर देना है, जो पहली बार बना रहे यहाँ पे कैप्चर दीजिए, एंड वहाँ पे कैप्चर, जो आपका कैप्चर दिखाई मिल रहा है यहाँ से कैप्चर। कैप्चर देने के बाद आपको आना है कंटिन्यू में। कंटिन्यू में आने के बाद आपको फर्स्ट नेम देना है, फर्स्ट नेम आपका जो है, एंड लास्ट नेम देना है। लास्ट नेम देना है, लास्ट नेम देने के बाद आपको पासवर्ड क्लिक करके, पासवर्ड आपका होना चाहिए पहला कैपिटल में एंड स्पेशल कैट, एंड यहाँ से रिक्वेस्ट ओटीपी। जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी में क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में ओटीपी जाएगा, आपका आईडी बन जाएगा। चलिए मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा किस तरीके से। अगर ऑलरेडी हैव अकाउंट आपके पास है तो लॉगिन में क्लिक कीजिएगा, एंड यहाँ से मोबाइल नंबर टाइप कीजिएगा। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको पासवर्ड टाइप करना है, आपका पासवर्ड जो है, आपने जो पासवर्ड बनाया था, एंड यहां से आपको देना है ये कैप्चर देना है, ठीक है, कैप्चर देना है। कैप्चर देने के बाद आपको रिक्वेस्ट ओटीपी मिलेगा, जिस जैसे आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उसमें ओटीपी आ जाएगा, आपको वेट करना है, अपना मोबाइल का मैसेज चेक करना है। चलिए ओटीपी हम डाल देते हैं, ओटीपी आपको डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको देखिए ओटीपी आपको सही सही डालना होगा, अगर आपने ओटीपी गलत टाइप कर दिया तो आपका ओपन नहीं होगा। तो देखिए ओटीपी मैं डाल देता हूँ, चलिए ओटीपी मैं डाल देता हूँ 92, एंड यहाँ पे वेरीफाई लॉगिन। वेरीफाई लॉगिन होने के बाद आपका जो डायलॉग बॉक्स है वोटर का वो ओपन हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपका फॉर्म कितना अप्लाई करना है, फॉर्म 6 अप्लाई करना है, मतलब आपका एज 18 साल हो चुका है। तो आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप में आ जाना है। फॉर्म फिलअप में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आपका पेज लॉगिन हो जाए, एंड यहाँ पे आपको देना है स्टेट, किस स्टेट से आप आते हैं। तो अभी ये झारखंड स्टेट है, यहाँ पे देखिए झारखंड देना है, एंड डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, आप अपना डिस्ट्रिक्ट दिए तो पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए असेंबली कौंसिल, इसमें क्या देना है, इसमें आपको देना है आप किस विधानसभा से आते, तो लिट्टीपाड़ा विधानसभा, एंड आपको नेक्स्ट में जाना है। नेक्स्ट में आने के बाद आपका नाम डालना है, आपका नाम किया है फर्स्ट नेम। जैसे ही आप फर्स्ट नेम डालिएगा, आपका ऑटोफिल यहाँ पे आ जाएगा, एंड लास्ट नेम आपको डालना है, लास्ट नेम डालना है, एंड यहाँ से इंटरफेस करना है, एंड यहाँ पे आपको एक फोटो डालना है। फोटो का साइज होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर एंड हाइट हो जाए, एंड जेपीजी में 2 MB से। तो आपको जाना है चोज फाइल में, आपने किस लोकेशन की और फोटो रखा था, आपको लोकेशन देना है, एंड यहाँ से देख लेते किस लोकेशन की और फोटो है, यहाँ से देख लेते। यहाँ से आने के बाद देखिए यहाँ से आपको फोटो देना, एंड ओपन में क्लिक करता, आपका फोटो क्या हो चुका है, अपलोड हो चुका है, एंड सेव कर दीजिएगा। जैसे आप सेव किए, सेव करने के बाद आपका ओके का हम ऑप्शन आ जाएगा, एंड आपको जाना है नेक्स्ट में। नेक्स्ट में जाने के बाद आपका फादर नेम डालना है, फादर नाम क्या है, यहाँ पे फादर नाम डाल दिएगा। चलिए फादर नाम में डाल देता हूँ, फादर नाम आपका स्पेलिंग जैसे आप ये दीजिएगा फर्स्ट नेम, एंड यहाँ पे सो नेम मतलब लास्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है फादर नेम। फादर नेम डालने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट में जाना है। नेक्स्ट में सेल्फ मतलब क्या, आप खुद कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो अदर मेंशन का करो तो अदर की, तो इसका मेरा खुद है सेल्फ, तो आपको नेक्स्ट में जाना है। नेक्स्ट में जाने का क्या आपसे पूछ रहा है, क्या आपसे आपके पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड है तो इसमें क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा नेक्स्ट, तो जिसका भी अप्लाई कीजिएगा आधार नंबर डाल दीजिएगा, तो इसमें नहीं है तो यहाँ से नो कीजिएगा, यहाँ से नेक्स्ट क्लिक। नेक्स्ट पूछने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जेंडर क्या है, यहाँ से जेंडर कर दीजिए, एंड यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। आपसे मांगा जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ टाइप कीजिएगा, एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। डॉक्यूमेंट में आपसे पूछा जाएगा, देखिए सेल्फ अटैच, इसमें डॉक्यूमेंट में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। देखिए वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए DOB में आप क्या क्या प्रूफ दे सकते हैं, देखिए बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, एंड पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, मैट्रिक का, NCBSE किसी बोर्ड का मार्कशीट, एंड पासवर्ड देते। चलिए मैं इसमें दे देता हूँ पैन कार्ड दे देता हूँ या आधार कार्ड दे देता हूँ। आधार कार्ड देने के बाद आपको क्या करना है, एंड यहाँ से